अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी एडिशन अक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मैं अपनी वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे से पूछा कि आप प्लीज बताए। और इसके अलावा ये खुशखबरी मैं आप लोगों को बताने आई हूँ, गुड न्यूज। ऑब्वियसली जो इंस्टा की फैमिली है, जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने तो मैंने काफी देर से ये शेयर कर दी हुई थी, बट जो YouTube पे हैं उनको मैं बताना ये चाहूंगी कि मैंने जो है ऑब्वियसली ये वाला जो चैनल है ये आप लोगों की वजह से ही ग्रो किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये एक बात जो है मेरी नीयत तो मेरे दिल में ये बात थी कि जब मेरा जो चैनल अगर मेरा वापस आता है तो मैं जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो जो काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको मैं साथ साथ लेके चलूंगी। इसके साथ साथ वो ये इस तरह के जितने भी मैंने वीडियोस देखी मतलब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि हर किसी को ग्रो करने का मौका चाहिए होता है और कुछ उनको ऐसे लाइक मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और वो किस तरह करूंगी वो भी एक प्रॉपर सेटअप बनाएंगे हम लोग, क्योंकि जितने माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं, जितने लोग ग्रो करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली मैनेजेबल नहीं होगा अगर मैं सबकी उठा उठा के डालते जाऊं। लेकिन एक तरीका मैंने सोचा था आप लोगों के लिए कि हम लोग, मैं एक चैलेंज दिया करूंगी या कोई भी ऐसा लाइक जैसे मेकअप चैलेंज है या जो फेस नहीं लाते हैं सामने उनके लिए मैं कुछ हैंडमेड चीजें, जो हैंडक्राफ्ट का पेज है, जो कि इवन दैट जो लड़कों का पेज है, बॉयज जो हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हर वीडियो के लास्ट पे मैं न्यू यूट्यूबर्स के लिए मैं कुछ ना कुछ टारगेट दिया करूंगी, वो आप लोगों ने अपनी वीडियो में करना है, ठीक है। मतलब कि इस तरह कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ तो मैं जो ब्लॉगर जो फेस लाती है मैं उनको बोलूंगी मतलब आप लोगों ने मेरी मेकअप लुक जो है वो अपने चैनल पे क्रिएट करनी है, ठीक है। वो वाला उसका क्लिप जो है मैं अपनी वीडियो में डालूंगी, आपके जो क्या कहते हैं वीडियो का लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जितने बॉयज हैं उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छी और नेक चीज सोची है, वो ये कि हम लोग कुछ भी, खैर ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, सब के लिए जो कुकिंग के चैनल्स हैं, जो अपना फेस नहीं लाती हैं, हर एक के लिए कोई ना कोई टारगेट जरूर होगा और सब लोग मिलके इस तरह ग्रो करेंगे, ठीक है। सो मेरी ये वाली सपोर्ट आप लोगों के साथ इस तरह से रहेगी। और इसके अलावा मैंने जब न्यू यूट्यूबर्स का देखा कि जितनी भी वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड की थी उनको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई बात नहीं, जब नया नया इंसान होता है ना तो कोई मसला नहीं होता है, इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद जो है फिर हम एक, जब आप लोग सब तैयार हो जाएंगे ना, सब लोग मैं देख लूंगी कि वाकई जो है ये इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, फिर उसके बाद जो है मैं एक चैलेंज दिया करूंगी और चैलेंज पे जो आपने उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनानी होगी, ठीक है। इस तरह इंशाल्लाह जो है वो लाइक जो पब्लिक है ना वो रियल कंटेंट मांगती है, जो कि आपकी आपकी वीडियो से भी, चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी वीडियो में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर होता है जो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। जो हमारी और हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करता है, वो किस तरह नहीं करता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं आप लोगों की वीडियोज में, ठीक है। क्योंकि मैं जहां तक मैं आपको सच बात बताऊ ना कि हर एक की वीडियो में ना स्पेशली जो लड़कियां, ऑलमोस्ट सबके फिल्टर्स लगे हुए थे, फिल्टर्स मतलब जो ऐसे झपकती थी आंखें, जो लैशेज ऐसे ऐसे हो रही थी और वो ऐसे देख नहीं सकती थी क्योंकि वो फिल्टर हट जाता था। पता क्या बात थी, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, इंसान बड़ा कॉन्शियस होता है। इवन दैट जो मेरी एक जो बहुत पुरानी वीडियो है, जब मैं भी नई नई आई थी तब मैं भी बड़ी कॉन्शियस थी कि फिल्टर जो है वो फिल्टर लगा के वीडियो बनानी है, इस तरह अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब इंसान देखता है ना कि उसकी ऑडियंस उसको उस तरह एक्सेप्ट कर रही है, आप उस तरह अपने आप को सामने लाते हैं, बिल्कुल जनरल नॉर्मल तरीके से लाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस उस तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, जब तक आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बेसिक ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो आप लोगों ने फिल्टर नहीं लगाना है, अपने मोबाइल के ओरिजिनल कैम के साथ वीडियो बनानी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड जो है वो आप
चूज कर लें, या तो वो व्हाइट हो, या बल्कि मैं व्हाइट को ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। व्हाइट में ये होता है अगर किसी ने प्रोफेशनल एडिटिंग करनी होती है कि जो बैकग्राउंड हमने चेंज करना होता है, जैसे वो न्यूज में चल रहा होता है, न्यूज चैनल में जब न्यूज चल रही होती है तो वो बैकग्राउंड कुछ और डिजिटल टाइप आता है, अगर तो आप उस तरह करना है फिर आप व्हाइट बैकग्राउंड रखो। अदरवाइज आप कोई भी जो जैसे कि मेरा ज्यादा कलरफुल नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का आपने कोई भी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। मैंने एक देखा था, इतनी ज्यादा लाइट थी, मतलब वो लाइट इस तरह थी कि वो फिल्टर लगा हुआ था, वो ऐसे झपक रही थी तो वो आंखें उसकी ना प्रॉपर पता चल रही थी कि वो फिल्टर हट रहा है। और उसके बाद जो है वो ग्रीन कलर का और कभी ब्लू कलर का बैकग्राउंड था। एक बैकग्राउंड आप लोग डिसाइड कर लें, जो भी है वो आप 10 वीडियो 20 वीडियो के बाद आप लोग चेंज कर लें, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप मेरे जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मेरे रूम की लाइट्स ऑफ है, जस्ट मैंने रिंग लाइट के अंदर मोबाइल सेट किया हुआ है और ओरिजिनल कैम के साथ वीडियो बन रही है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, पूरे रूम की लाइट्स नहीं चलानी है, सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है इसे। सिंपल आप एक रिंग लाइट ले लो, अगर रिंग लाइट कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, 60 वॉट का बल्ब आते हैं, 4 बल्ब आते हैं, वो किसी भी एक चीज के ऊपर, एक गत्ते के ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर या किसी भी दीवार के ऊपर, आप चारों साइड पे 1 2 3 4 इतना सा कॉर्नर जो है वो सेट कर लें, ठीक है, ताकि वो जब बल्ब ऑन हो ना तो वो क्या हो आपके लाइक अच्छा इफेक्ट दें लाइट का। पीछे आपने बैकग्राउंड जो है अंधेरा कर लेना है मेरा, और जो रिंग लाइट से लाइट आ रही जस्ट यही लाइट है, ठीक है। एक तो आपने ये करना है। तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों ने, अब मैंने जो आपने जो बल्ब लेने हैं ना वो स्किन कलर के लेने हैं, व्हाइट वाले नहीं लेने हैं, स्किन वाले लेने हैं, लाइक जो गोल्डन और स्किन कलर में होता है, एक गोल्डन कलर होता है ना, एक व्हाइट एंड गोल्डन के दरमियान वाला शेड होता है, जैसे ये मेरी रिंग लाइट में मैं वो वाला मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये रिंग लाइट चली हुई है, ये मेरा आया बहुत डार्क वाला जो गोल्डन कलर होता है, ये मेरा आ गया पूरा व्हाइट वाला, ठीक है। ये भी नहीं, मैं ये वाला करती हूँ ताकि ये नेचुरल लुक देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने कैमरे जो यहाँ पे आपका कैमरा बना होता है ना मोबाइल का, आपने उसके अंदर देख के बोलना है। अक्सर मैंने देखा है वो अपना स्क्रीन के अंदर, लाइक ये देखें, मैं स्क्रीन के अंदर देख रही हूँ बट आप लोगों से मेरा आई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं स्क्रीन के अंदर देखो, कैमरे के अंदर देखे बोलूंगी तो आप लोगों को लगेगा मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक आपने ये पॉइंट अपना रिकॉर्ड नोट करना है, ठीक है। फोर्थ वन ये पॉइंट है कि जनाब आप लोगों ने जब बोलना है ना, आप लोगों ने बहुत कॉन्शियस होके नहीं बोलना है। हम लोग ह्यूमंस हैं, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, तो एरर्स आते ही रहते हैं। इवन दैट बोलने में एरर आ जाता है, कोई बोला वर्ड नहीं सही बोला जाता है, या कोई ऐसा कोई वर्ड हम प्रनाउंस जो है वो गलत कर देते हैं। बिल्कुल आपने कैजुअल रहना है, नॉर्मल रहना है, क्योंकि मैं जब आप मेरी पहली वीडियोज देखे ना, एक तो उसमें ये था, मैं बड़ा कॉन्शियस होके और मैं लिटरली 10-10 बार रिकॉर्ड करती थी अपना क्लिप। एक लाइन बोलनी है 10 बार, अच्छा ये नहीं ये बोलना था, दोबारा से रिकॉर्ड करो, इस तरह तो था। अभी जो है सिंपल मैंने कैमरा ऑन किया है, क्लिक किया है बटन, बस इसके बाद मैं बोलती जा रही हूं, क्योंकि ये होता है इंसान, जब मैंने वो देखा ना बहुत डर के मैं सहमी बोलती थी, जो मैं घर में और तरह से होती थी और कैमरे के सामने मैं और तरह से होती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो क्या उसे कहते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूबर थी, जैसे कि मरियम है, मरियम ने मुझे ये बोला कि तुम ना बहुत डर के बोल रही हो, तुम बिल्कुल कैजुअल जैसे तुम नॉर्मल रहती हो घर में ना, तुम्हें वैसे बोलना है, तो ऐसे डोके, ठीक है। उसके बाद जब मैंने आपको मतलब लाइक जैसे मैं थोड़ी सी मेरी हालांकि मैं थोड़ी शरारतें कम करती हूँ, फिर भी घर में ये भी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये बात है कि जिस तरह आप कैजुअल रहते हैं ना, आपने उस तरह रहना है, ठीक है। जो भी आप लोग मतलब बोलते हैं, कुछ गलती हो जाती है कोई मसला नहीं है, इंसान है गलती होती रहती है। एक तो आपने जो भी बोलना है कैजुअल तरीके से बोलना है, दूसरे कहते ना कि अगर किसी को अपना बनाना हो ना तो उसको कंफर्ट लेवल देते हैं, कंफर्ट लेवल ये होता है कि उसको अपना अपनापन शो कराते हैं, ठीक है। अगर आप इससे हंस के बात करते हो तो वो आप लोगों से क्या करता है, बात करने की कोशिश करता है, मतलब आपको रिस्पॉन्स करता है वो आपको, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूंगी ऐसे ऐसे करके, मैं बोलूंगी आप बहुत डर के, या फिर मैं थोड़ा रूड होके बोलूंगी, तो अगला क्या कहेगा कि ये क्या है, मतलब इसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसी तरह आप लोगों ने अपनी वीडियो में करना है। दूसरी बात ये,
आज दूसरी बात नहीं, खैर मैं दूसरी बात बोलने जा रही हूँ, पांच बातें मैंने बता दी आप लोगों को। एक तो आप लोगों ने एक बैकग्राउंड डिसाइड कर लें जहां भी आपने रिकॉर्ड करनी है। दूसरा आपने रिंग लाइट का डिसाइड कर लेना है या बल्ब जो भी आप लोगों ने करना है बैक पे जो है वो लाइट ऑफ कर देनी है, ठीक है जी। दूसरी बात फिल्टर यूज नहीं करना है, अपना ओरिजिनल कैम यूज करना है मोबाइल का। और उसके बाद जो एडिटिंग होती है ना, एडिटिंग में हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज करते हैं, तो वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं जो बेसिक स्टेप्स है मैंने आपको अपने साथ साथ लेके चलना है। साथ साथ लेके जाने के लिए आप लोगों को गाइडेंस की भी जरूरत है, और वो भी मैं गाइड करके आप लोगों को, जब आप लोग तैयार हो जाएंगे उसके बाद जो है हम लोग चैलेंजेस पे आते जाएंगे, उसके बाद हम लोग साथ साथ इंशाल्लाह आप लोग भी ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इंसान जब मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल का भी देख लिया होगा, उसके बाद आप मतलब आप लोगों को भी ऑब्वियसली यकीन हो गया होगा। तो इसके अलावा एक बात ये हो गई, और जो भी टॉपिक है, कोई आपने जिस भी टॉपिक पे लेके जाना है ना, आप अपना मतलब एक चाहे वो रेमेडीज है आपकी या चाहे, हाँ एक और बात, कोई भी फेक रेमेडी नहीं बतानी है, जो आप खुद यूज करते हो या जिसका आपको रिजल्ट पता है आप उसको यूज करके देखो, जिसका आपको रिजल्ट शो हो सिर्फ अपनी पब्लिक के साथ वो शेयर करो, ठीक है। सिर्फ व्यूज लेने के लिए, आप कोई भी चीज ऐसी लेने के लिए अपनी रेमेडी वगैरह ना शेयर किया करें, जो आपको पता है ना, आपको कंफर्म है आपको कि ये रेमेडी के रिजल्ट आता है या ये मैं यूज करती हूं। अब मैंने जितनी भी रेमेडीज आप लोगों से आज तक शेयर की ना, वो हमारे घर में होती आ रही थी, तो मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि मैं क्या शेयर करूं, क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी जो डाइट से रिलेटेड जो मेरा प्रोफेशन है डाइटिशियन, वो मेरी है वेबसाइट, उसके ऊपर मैं प्रॉपर एज अ डाइटिशियन काम करती हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं जाके। उसके बाद जो यूट्यूब चैनल था, ये डाइटिशियन अक्सा तो मेरी पहचान बन चुका था, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल का नेम भी डाइटिशियन अक्सा रखा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा, अब मैंने पहले ये सोचा कि मैं आखिर में क्या शेयर करूं, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊं, मैं बीमारियां बताऊं। बीमारियों में ये होता है, अगर मैंने पीसीओएस पे वीडियो बनाई है तो हजार क्वेश्चन आते थे नीचे कि ऐसे, क्योंकि इतने लोग हैं, हर लोगों को अलग अलग मसले हैं, ठीक है। सो वो चीज गाइडेंस, वो वाली अलग चीज है। मैं कभी भी डाइट प्लान आके या कोई भी एक पढ़ी लिखी डाइटिशियन जो भी होगी, वो कभी भी डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि हर इंसान का डाइट प्लान अलग होता है, ठीक है। सो ये मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, अक्सर लोगों को ये है कि डाइटिशियन होके आप जो है वो चैनल रेमेडीज वगैरह शेयर करती है। दूसरी बात ये, मेरे घर में हमारे घर में बहुत देसी सा माहौल है, मैं सही बात बताऊं कि ऑर्गेनिक चीजें हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, और मेरी मामा ने हर्ब्स के बारे में, मामा बहुत जानती हैं, मेरी सिस्टर्स ने जो है वो हर्ब्स के कोर्सेज किए हुए हैं। सो इस वजह से हमारा इस चीजों में बहुत ज्यादा नॉलेज कह लो कि ये है, और बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट लड़कियां हैं, और इसलिए अब लड़कियों की प्रॉब्लम्स, लड़कियों के सॉल्यूशंस, एक्नी का, हेयर फॉल का, ये वो, इवन दैट हमारा जो शैम्पू, हम ऑयल और ये वो सब ऑर्गेनिक है, जो चीजें भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि जो चीज आप यूज करते आ रहे हैं या जो चीज आपको रिजल्ट कंफर्म है, सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर करें। उसमें ये होगा कि अगर आपकी ऑडियंस जो है वो यूज करेगी आपकी रेमेडी, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तो वो क्या होगा, एक तो आपको गुनाह जाएगा क्योंकि आपने फेक आपने शेयर किया उनके साथ, दूसरी बात ये होगी कि आपको एक मतलब वो रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिला तो वो बंदा आपके उस बंदे के दिल में आपके लिए जो है वो क्या कहते हैं, बुराई बैठ जाएगी, ठीक है। आई थिंक मैंने सही वर्ड बोला है, सही मतलब गलत बातें बैठ जाएंगी, ये बंदा नहीं सही है, दो नंबर बंदा है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है, मेहनत करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके बोलना है, कॉन्फिडेंट होके बोलना है। और इसके अलावा जो लास्ट बात मैं आप लोगों को बता दूंगी, जो फेस नहीं लाते ना सामने, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगी कि आप लोग फेस लाएं, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात कहूं, काम करना है अगर तो डट के करो, ठीक है। ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि जो लोग मतलब कहते हैं कि उनके खानदान में बातें करेंगे, ये करेंगे, तो वो एक अलग डिबेट है, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी मोटिवेट करने के लिए। और जब तक मैं आपको बताऊं कि जब
बस मैं वो अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आपने अपने जो है मम्मा पापा को दिखानी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई आपका सजेशन है कि इस तरह हम लोग लेके चलें सबको। अगर लोग ये कहेंगे ना कि मुझे काफी लोगों ने ये बोला कि जिनके 500 या जिनके 1000 फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, आप उनको बोलें सिर्फ वो ही कॉम्पिटिशन में या जो भी चैलेंजेस में आ सकते हैं, इसके अलावा नीचे वाले नहीं आ सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं चाहे जिसका 2 से 3 फॉलोअर्स भी है ना तो वो भी मेरे साथ काम करेगा, लेकिन उसको गाइड करना पहले मेरा काम है। ठीक है, मैं पहले आपको गाइड करूंगी कैसे करना है, क्या करना है। आप लोगों ने बस ये रिकॉर्डिंग वाला ना ये काम पहले आप लोग करें। इस तरह करके शोर में वीडियो नहीं बनानी है। मैं हमेशा जो है वो रात में बना रही होती हूँ, रात में बहुत कम शोर होता है। सुबह में पाकिस्तान का पता ही, आपको 3 डब्बे ले लो, लोहा ले लो, छानबुरा बेच लो, ये सारा चीजें होती है पाकिस्तान में। ठीक है, ऑब्वियसली हर घर में होती होंगी, तो इसलिए सुबह का टाइम जो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए सुबह का टाइम तो मैं बनाती नहीं हूँ, शाम में बनाती हूँ ताकि थोड़ा सुकून हो और चुप करके बंदा आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर ले। जिसकी आवाज कम है वो क्या करे, या रूम बंद करके बना लो, रूम बंद कमरे में बना लो, या फिर जो है एक माइक मिलता है वो आप साइड पे लगा लो, तो वो माइक आप जो है उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स मेरी पसंद आई हो और इंशाल्लाह हम साथ ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, तो ताकि सब लोग जो है आप लोग कामयाब हो सके। मेरी दुआएं, मेरी कोशिशें हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और जो अच्छा अच्छा काम हमेशा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, हमेशा पॉजिटिव साइड पे आप लोगों ने रहना है अपनी लाइफ के अंदर, पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिविटी ना बहुत कम अरसे के लिए चलती है, बस नेगेटिविटी। अगर आप ये कहेंगे ना कि अगर आप व्यूज देने के लिए फ्लान ब्लॉगर के ऊपर रोस्टेड वीडियो बना रहे हैं, फ्लान के ऊपर पकड़ लो, चलो इसका इसका कीवर्ड जो है ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ के वीडियो बना लो, इसको पकड़ के, इस तरह नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत कम देर के लिए आपको फेम मिलेगा, उसके बाद खत्म। बुराई, अल्लाह ताला ने बुराई को बहुत इतना सा भी टाइम दिया हुआ है, बहुत जल्द खत्म हो जाती है। जो अच्छाई है वो सामने भी रहती है, लोगों के दिलों में भी रहती है, और हमेशा इंसान याद रखता है और उसका हमेशा आपको क्रेडिट जाता रहना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव साइड के ऊपर आप लोगों ने वीडियो बनानी है, हमेशा पॉजिटिव साइड्स के ऊपर काम करना है। बाकी मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, अगर कोई भी बात है, कोई भी चीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या डिसीजन हुआ है या क्या चीज की है हमने। तो बड़ा ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।